السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكم من الصالحين معزز نازلين الكرام موزو تالاه واقيات عبره और उसी के तहत मख्तल बातें आप समत फरमा रहे हैं मैं इसी ान का एक जेली वान लेकर आज फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं आज का मेरा ख़िताब का कावान रहेगा इस्लाम में इन्फाक फ़ी सभी की अहमियत और ज़रूरत इनफाक फ़ी ये रीढ़ की हड्डी है शरीय इस्लामिया ने अपने मानने वालों को अल्लाह तबारक व रास्ता में वो अपना माल खर्च करें उसकी बड़ी फजीलत और अहमियत बयान फरमाई है अल्लाह तबारक ने राय खुदा में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के लिए फरमाया वन फिको मजक नाकुमिन कबली अत या हदक उलमऊत और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो कुछ अल्लाह तबार को ताला ने तुम्हें रिस्क में से दिया है मिन कबली अति आहदक उमुल इससे पहले के तुम्हें मौत आ जाए यहां इस बात का इशारा है कि इंसान के दिल में अगर कहीं तड़प है तो वो तड़प ही ना रह जाए एक आदमी अगर सोचता है कि ये अल्लाह के रास्ते में उसे दे देना चाहिए ये माल ये दौलत अल्लाह के रास्ते में चली जानी चाहिए तो उसका इंतजार नहीं होना चाहिए क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है कि उसका इलम किसी को नहीं है बड़े बड़े अल्लाह वाले दुनिया में आए सलाम को भी ये नहीं मालूम था कि उन्हें मौत कब आएगी और यह हकीकत है कि मौत जरूर आएगी कुल्ल नफ्स इनजा इकतुल मौत अल्लाह फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है कोई भी इस दुनिया के लिए हमेशा हमेश के लिए नहीं आया और कोई क्या ये दुनिया भी हमेशा हमेश नहीं रहेगी एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी इससे पहले के इंसान का वजूद खत्म हो अल्लाह तबारक ने उसे माल से नवाजा है तो उसको चाहिए कि वह अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी में देकर ये यह कर ले ये भरोसा कर ले कि अल्लाह के रास्ते में उससे माल खर्च हो गया और अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर मशवरा भी दिया आपने फरमाया पांच चीजों को पांच चीजों के आने से पहले गनीमत जान लो उसमें एक चीज आपने फरमाया गिना आका कबला फकरिक ये जो तुम्हारी मालदारी है जो अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है इससे पहले कि फकीरी में तब्दील हो जाए ये बैंक बैलेंस जो है ये तुम्हारा ना रहे जब अल्लाह ने दिया है तो उस वक्त अल्लाह के रास्ते में देने की सिर्फ नीयत नहीं बल्कि हाथ बढ़ाओ और कुशादा करो तो फरमाया कि वह अन रज़क नाकुम मिन कबली अत या आहदा को मौत मौत के आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो कुरान मजीद ने जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके बड़े फजाइल बयान किए हैं अल्लाह तबारक ने तो जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है उसके बारे में भी फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है एक आयत में कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने फरमाया फी सबी मिसाल दी अल्लाह तबारक तआला ने कि जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया जाता है उसकी मिसाल ऐसी है कमसली हब अम्बत सब असना बिलाफी बोला मियतो हब्बा कि जैसे खेती करने वाला किसान खेत में एक दाना डालता है और दाना वो एक डालता है उससे बालियां निकलती हैं और इत्तेफाक से सात बालियां निकल गई हैं और सात बालियां निकली हैं लेकिन हर बाली में अल्लाह ताला ने सो दाने रख दिए अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि उसने एक दाना जैसा कि डाला हो और एक दाने से सात बालियां निकली हों हर बाली में सौ दाने हों तो डाला एक दाना गया था हो गए वो सात सौ दाने

जितना भी उसमें गहराई है उतना ही अल्लाह तबारक की तरफ से उसके दर्जात भी और उसका माल बढ़ाया जाता रहेगा वो सात सौ ने उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर न जाने अल्लाह तबारक वाल कितना बढ़ा दे इससे हमें यह मालूम ज़रूर होता है नाजरे ने किराम कि अल्लाह तबारक रास्ते में दिया हुआ माल जाय नहीं होता बर्बाद नहीं होता अगर हम ये समझते हैं कि अब वो हमारी जेब में नहीं रहा तो याद रखिएगा जो पैसा हम बैंक में रखकर आए हैं जेब में वो भी हमारे नहीं है और जितना तयक्न और यकीन और भरोसा बैंक पर है कि वो हमारा पैसा है उससे लाख और करोड़ गुना ज्यादा यकीन और भरोसा होना चाहिए कि जो हमने अल्लाह के हवाले कर दिया जो रुपया पैसा दीनार और दिरहम सोना और चांदी माल और दौलत हमने अल्लाह व वाला के रास्ते में दे दिया वो एक दिन जरूर हमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह व वाल इनायत करेगा अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल कुरान मजीद ने उसको दूसरे अंदाज से दूसरी मिसाल से समझाने की कोशिश की है मसलीन व तम फरमाया जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं यहां उस माल को आजर के लिए सवाब के लिए देते हैं तो कुरान मजीद बयान करता है कि उनकी मिसाल का मसली जन्नति बिरबिन असा बहा वहा उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसा कि कोई बाग है और बड़ी ऊंचाई पर है और मौसलाधार बारिश हो गई है तो उसकी वजह से डबल फसल हो गई है खेती लहलाते लहताते अब उसके अंदर फल दोगने आ गए हैं और अगर किसी वजह से बारिश नहीं हुई तो जो औस पड़ती है वो औस ही उसके लिए काफी हो जाती है ये सब मिसालें अल्लाह इसलिए दे रहा है ताकि जो माल हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं जो माल हम अल्लाह तबारा के हजूर पेश कर रहे हैं हमें यकीन और भरोसा हो कि वो हमारा माल जाए नहीं जाएगा किसान खेत में डालकर दाना आता है उसे भरोसा होता है कि इससे फसल आएगी और फसल उगेगी फल आएंगे और उसकी खेती एक दिन जरूर लहलाएगी उससे भी ज्यादा कहीं यकीन और भरोसे के साथ अल्लाह तबारा के रास्ते में हमें अपना माल देना चाहिए आइए इस ताल्लुक से कुछ मिसालें हम लोग देखते हैं ताकि हमें लगे कि अल्लाह के, अल्ला के रास्ते में अल्लाह के रसूल से के जमाने में साहबा कैसे अपना माल दे दिया करते थे अहदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मदीना में आपने सबसे पहले अल्लाह का घर बनाने के लिए कोशिश की हमें भी चाहिए हम क्या होता है कि दो दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पचास लोग अपने अपने घर तो बना लेते हैं लेकिन अल्लाह के घर की हमें उस फिक्र नहीं होती क्योंकि जो ईमानदारी नमाज के लिए इबादत के लिए होना चाहिए वो आज हम मुसलमानों में नजर नहीं आ रही है खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए साहब इकराम को जमा किया और अल्लाह के रसूल ने उनके सामने बात रखी एक जगह तय पाई जहां आज मस्जिद नबी मौजूद है वो जगह आपको पसंद आई आपने कहा कि ये किसकी जगह है उसको बुलाया जाए पता लगा कि ये जगह दो या तीन बच्चों की है आपने उनके वारिसीन को बुलाया और उनके सामने अपना पूरा खाका पेश किया कि हमारी मंशा ये है कि यहां पर अल्लाह का घर बने बहुत खुश हुए वो लोग उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि अल्लाह का घर बनाया जा रहा है और इस जमीन पर बनाया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत मालूम कराई तो उन्होंने कहा कि हम इसकी कीमत नहीं लेंगे बल्कि हम इसे हदयता आपको देंगे आपने मना फरमाया कि नहीं हम इसे कीमतन लेंगे और इसलिए लेंगे कि यह दो यतीम बच्चों की जगह है उनकी तरफ से यह इसार था कि नहीं हदियतन ले लीजिए ऐसे ही ले लीजिए इसमें मस्जिद बना दीजिए लेकिन अल्लाह के रसूल का इसरार बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और आपने उनके वारिसीन को राजी कर लिया कीमत लेने पर और एक कीमत तय हो गई जब कीमत तय हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कीमत के लिए हजरत अबू बकर फरमाया कि तुम ये तयशुदा रकम इनको दे दो देखिए किसे एजाज मिला मस्जिद नबी की बुनियाद रखने में मस्जिद नबी के असल जगह खरीदने में सबसे पहला जिसका हिस्सा है वो उम्मत का वो बेहतरीन इंसान है जिन्हें हजरत अबू बकर के नाम से दुनिया जानती है अमीर मोमिन खलीफतल मुस्लिमीन बड़े खुश हो गए और जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फौरन वो पैसा अदा कर दिया आज हमारी मस्जिदों का हाल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है और एक एक ईंट कैसे कैसे चंदा कर कर के उसको पूरा करके मस्जिद बनाई जाती है ऐसे लोग आगे आने चाहिए कि जिस तरह वो उम्दा अपना घर बनाते हैं उससे ज्यादा उम्दा अल्लाह का घर बनाने की इस दुनिया में फिक्र करें अर्ज ये करना था नाज़िर ने किराम कि नबी की जगह खरीदने की बात आई तो उसका सारा पैसा अकेले हजरत अबू बकर अदा फरमाया हजरत अबूबकर रदी अल्लाह तु वो सहाबी रसूल है कि जब मदीना के लिए हिजरत फरमा रहे थे और अल्लाह के रसूल को अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील ने आकर बताया कि आज ही रात में आपको हिजरत करना है और अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक के घर गए और सारी चीजें उनसे शेयर की और रात की तारीखी में सफर जारी कर दिया तो उस वक्त भी अबू बकर सिद्दीक सिद्दीकों ने पांच हजार दिरहम सफर के लिए रखा जो रास्ते में अल्लाह के रसूल सल अल्लाह को उन्होंने सौंप दिए कि ये खर्च के लिए आप रख लें हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला के का हाल ये है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हाल ये है कि गजवे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम ऐलान किया क्योंकि गजवा बहुत अहम था तैयारी बहुत ज्यादा करना थी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी आपने सहाबा में एक ऐलान कर दिया आम और कराया सहाबा से कि ज्यादा से ज्यादा माली तान किया जाए ये ऐलान सुनना था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तीन कुल जायदाद को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं जो कुछ भी अल्लाह ने उनको दिया था उसको दो हिस्सों में बांट दिया एक हिस्सा उन्होंने अपने घर के लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा उठाया उठाने के बाद आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया और इस उम्मीद से वो फरमाते किया कि जिंदगी के किसी हिस्से में नेकी के तालुक़ से वो अबू बकर सिद्दीक से बढ़ नहीं पाए उन्हें उम्मीद थी कि आज का दिन ऐसा दिन होगा कि मैं चूंकि अपनी कुल जायदाद का आधा हिस्सा लेकर हाजिर हो गया हूं मैं आज अबू बकर सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा लेकिन आदिश में आता है कुछ ही लम्हात के बाद कुछ ही देरी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रद्ला तला चले आए और वो जो उन्होंने अपना असाशाह रसूल की खिदमत में हाजिर किया जब आपने मालूम किया तो बताया अल्लाह के रसूल जो कुछ घर में था सब समेट लाया हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसे लोग थे कैसे सहाबा थे क्या उनका ईमान था क्या उनका जज्बा था क्या वो आखिरत की तैयारी में कितना अपने आप को हमेशा मशगूल पाते थे किस तरह वो देकर ये तसल्ली अपने दिल को दिलाते थे कि ये दिया हुआ माल ही उनका असल माल है अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तु अपने सारे असासे को समेट कर चले आए और ये बात हिजरत मदीना के ताल्लुक से मैंने आपको मुकम्मल बताई नहीं वरना उससे भी आपको इबरत मिलेगी कि जब हिजरत के वक्त माल लेकर अबू बकर सिद्दीक चले थे और ये पता चला कि अबू बकर सिद्दीक घर से चले गए हैं तो उनके वालिद ने कहा कि कुछ छोड़कर भी गए हैं क्या तो बेटी असमा उसका ईमान देखिए उसका तकवा देखिए उसकी फरासत देखिए उसकी चालाकी देखिए अल्लाह के कहीं उसका भरोसा देखिए आज हमारे घर के सारे हालात अगर समेट कर एक जगह रखा जाए तो हम सब मिलकर सबके हालात एक से ही बन गए हैं ना बाप के जहन में है ना माँ के जहन में है ना भाई के जहन में है ना बेटे के जहन में है ना बेटी के जहन में है कि हमें अल्लाह के रास्ते में भी कुछ देना है बाप अबू बकर सिद्दीक के अपनी पोती इस असमा से पूछ रहे हैं कि कुछ छोड़ कर गए वो नाबीना हो चले थे तो एक कपड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर उन्होंने रखे और एक बर्तन में रख दिए और रखने के बाद अपने दादा का हाथ लिया और उस पर रखकर कहा कि खैर कसीर कसीर कर गए ये मिजाज बनाया था ये मिजाज और मिजाज बनाने वालों ने ऐसा नहीं कि मिजाज बनाया नहीं बाद में भी बहुत दिन तक चला माए घरों में खाना बनाती तो एक मुट्ठी आटा मटके में डाल दिया करती आज तो हमारा माहौल बिल्कुल तब्दील हो चला है आज सिर्फ माल 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 मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल हम समझते हैं जितना हम समेट लेंगे अपना तो अपना है ही हम गैर का भी समेट में लगे हुए हैं ये माल कभी किसी का नहीं हुआ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा अल्लाह से दुआ करता है बड़े गिड़गिड़ा के करता है बड़े रो रो के करता है फरमाया माली 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 कहता फिरता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल फरमाया सिर्फ उसका माल वो है जो उसने खा लिया पहन लिया और अल्लाह के रास्ते में दे दिया फरमाया कि दुआ करता है कि अगर एक उसका जो माल है उसके अंदर पीता हराम का है खाता हराम का है पहनता हराम का है तो एक बालिश्त भी उसके सर से उसकी दुआ भी ऊपर नहीं जाती चे जाए कि वो आसमान को चैलेंज करेगी आर्ज तक पहुंचेगी माल जरूर हमारे पास है लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में कितना दिया जा रहा है उसमें गरीबों का कितना ख्याल किया जा रहा है उसमें यतीमों के साथ बेवाओं के साथ मजबूरों के साथ लाचारों के साथ बीमारों के साथ किस तरह हम जुड़कर उसका ताउन कर रहे हैं ये हमें इससे पहले के आए इसका तजिया करना जरूरी है इस ताल्लुक से जितने वाकियात आप पढ़ेंगे वो हमें ये बताते हैं कि साहब एक राम ने हद बस कर डाली अल्लाह के रास्ते में देने का इतना शौक था उनके यहां कि मुस्तकिल कमा कमा कर रखते थे कि कभी अल्लाह के रसूल को जरूरत पड़े तो हमारा माल काम आ जाए उस्मान गनी रदी अल्लाह तारो को कौन नहीं जानता मालदार सहाबी है लेकिन वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लाम के पास के के रसूल मदीना में पानी पीने के लिए सही नहीं मिल रहा है एक यहूदी का कुआं है वो भी पानी लेने नहीं देता बड़ा महंगा बेचता है हजरतान गनी रजियाल्ला को पता चला तो उस्मान गनी रजियाल्लाह तु ने उस यहूदी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई कुआं बेच दो मैं खरीदना चाहता हूं वो यहूदी का कुआ उसके लिए बड़े फायदे का सौदा था उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं कुआं बेचने वाला नहीं गनी रदी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि सा उसके सामने पेश किया और वो ये किया कि आधा बेच दो अरे कुएं को आधा कैसे बेचेंगे का ऐसा करो कि एक दिन तुम पानी निकालना बेचना और दूसरे दिन मैं पानी निकालूंगा एक दिन तुम्हारा रहेगा और एक दिन मेरा रहेगा यह बात यहूदी के समझ में आ गई और समझ में इसलिए आ गई कि लालच उसके जहन में था उसने समझा कि उस्मान गनी मुझसे ज्यादा महंगा पानी बेचेंगे उनका बिकेगा नहीं तो मेरा और फायदा होगा और यह बात तय हो गई पैसा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तु ने दे दिया उस्मान गनी ने बेओश्रा करने के बाद उसकी रकम अदा करने के बाद ऐलान कर दिया कि जो दिन मेरा है मैं उसको तमाम इंसानों के लिए ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए तमाम इंसानों के लिए और इंसान ही नहीं बल्कि जो भी चरिंद परिंद जानवर चाहे वो सब इससे पानी पी सकते हैं क्या देखा आपने नाजरीन किराम अल्लाह के रास्ते में देने का सहाबा का शौक जज्बा आपने मुलायजा किया हमें भी वही शौक पैदा करना चाहिए और उसी लगन से उसी चाह से इन फाक करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर वो पैदा फरमा दे आमीन व आखर दावाना रबीमिन ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें